शाहजहांपुर के समाज सेवी कवि कुमार सागर ने महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में उनके चित्र पर किया माल्यार्पण, साथ ही तमाम बच्चों को दी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप शर्मा ने हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए किया समर्थन, कहा मानवाधिकार सुरक्षा परिषद बेटी साथ है। हाथरस पहुंचा तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, धक्का मुक्की में गिरे डेरेक ओब्रायन। तेजस्वी राहुल में बातचीत के बाद सुलझे महागठबंधन की गांठ, सीटों का फार्मूला तय। पंजाब में नवजोत सिद्धू को रिलॉन्च करेगी कांग्रेस, राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा में फिर बदलाव। 4 अक्टूबर से सऊदी अरब में उमरा की होगी शुरुआत, 1 नवंबर से विदेशी नागरिकों को इजाजत। पीआरसी के 70वें राष्ट्रीय दिवस पर लंदन में चीन विरोधी प्रदर्शन आयोजित किया गया। H-1B वीजा प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी, अमेरिकी संसद में पेश हुआ विधेयक। डोनाल्ड ट्रंप हुए कोरोना पॉजिटिव, पीएम मोदी ने की जल्द ठीक होने की कामना। ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं न्यूजीलैंड के लोग, प्रवेश की मिल गई इजाजत।